पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में कई अदाकार और गुलकार ऐसे हैं जिन्होंने खुद को मनवाने के बाद मैदान सियासत का रुख किया और फिर इंतखाबात में भी हिस्सा लिया। आज हम आपको ऐसे ही शोबिज सितारों से मुतालिक बताएंगे। सबसे पहले जिक्र करते हैं मारूफ गुलकार इबरारुल हक का, जो सन 2006 से यूथ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतादिद मरतबा इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं। ताहम अभी तक वो नारोवाल के इलाके से नून लीग के मरकजी रहनुमा एहसन इकबाल को शिकस्त देने में नाकाम रहे हैं। आजकल वो हिलाल अहमद के चेयरमैन हैं। मारूफ गुलकार जवाद अहमद भी पाकिस्तानी सियासत में अपनी पहचान बना रहे हैं। इन्होंने बराबरी पार्टी के नाम से एक सियासी जमात बना रखी है, जिसके प्लेटफॉर्म से वो अपनी सियासी सरगर्मियों को परवान चढ़ा रहे हैं। जवाद अहमद एक साबिक प्रोफेसर के साहबजादे हैं और जहनी तौर पर लेफ्ट की सियासत से मुतासर हैं, जिसकी बुनियादी वजह इनकी कामरेड लाल खान से कुर्बत है, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। जवाद अहमद भी कई मरतबा इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन कामयाबी इनका मुकद्दर नहीं बन पाई। मारूफ गुलकार अताउल्ला खान ईसा खेलवी और सलमान अहमद भी तहरीक इंसाफ के मुतहरक सियासी कारकुन हैं और जब भी पीटीआई का कोई बड़ा जलसा होता है वो अपनी जादुई आवाज से लोगों के लहू को खूब गरमाते हैं। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद सुनामी में दोनों गुलकारों ने जानदार परफॉर्मेंस से शुरका को खूब महसूस किया था। ताहम सुना है कि अब लाला अताउल्ला मौजूदा हुकूमत की बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद पीटीआई के जलसों से कन्नी कतराना शुरू हो चुके हैं। मुतादिद पश्तो फिल्मों में काम करके खुद को अदाकारा के तौर पर मनवाने वाली मुसर्रत शाहीन को लोग आज भी बतौर अदाकारा ही जानते हैं। शायद इसी वजह से वो सियासत में ताहाल कोई बड़ी कामयाबी हासिल करने में नाकाम है। मुसर्रत शाहीन ने सन 2000 के बाद सियासत में आते हुए पाकिस्तान तहरीक मुसावात के नाम से अपनी अलग सियासी जमात कायम की और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन ताहाल ये कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। अदाकार हमजा अली अब्बासी ने जहाँ बतौर ड्रामा और फिल्म एक्टर काम किया, वहीं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रुकन के तौर पर भी सरगर्म है। हमजा अली अब्बासी सोशल मीडिया पर अहम सियासी मौजूदात पर बहस करने समेत तहरीक इंसाफ की हिमायत में हमेशा पेश रहते हैं। मुस्लिम लीग नून की लाहौर से रुकन असम्बली रहने वाली कमल नोमान को भी लोग सियासतदान की बजाय अदाकारा के तौर पर ज्यादा जानते हैं। लगभग 20 साल तक शोबिज इंडस्ट्री में मुतादिद ड्रामों और फिल्मों में काम करने वाली कमल नोमान सियासत में आने से कबल एक समाजी कारकुन की हैसियत से भी मुतहरिक रहीं। कमल नोमान सन 2013 के इंतखाबात में पीएमएलएन की जानिब से मखसूस नशस्त पर पंजाब असम्बली की रुकन मुंतखब हुई। 23 जुलाई सन 1975 को कराची में पैदा होने वाली शर्मिला फारूकी पाकिस्तानी सियासत का खूबसूरत चेहरा है। इसी खूबसूरती के बायस वो शोबिज में भी अपने फन के जौहर दिखाती रही है। सियासत में आने से कबल शर्मिला फारूकी एजाज असलम, तलत हुसैन, अब्दुल्ला कादवानी और गुलाब चांडियो जैसे फनकारों के साथ ड्रामा सीरियल पंचवा मासूम में नजर आईं। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।